वेदों से उपजी शौकाओं की बोली, रंगों की भाषा, रंगपों की बोली है लिबास शौकाओं के श्वेत व रंगीले, पगड़ी आभूषण से ये दिखते सजीले। ये हिमालय देवों की भूमि है, भूमि है, घाटियों में शौक यहाँ बसते हैं, बसते हैं। शिव ने अमृत भरा यहाँ, शिव ने अमृत भरा। गगन चुंबी हिमशिखर, शीत जलवायु, ऊपर खापड़ धरती, गहरी खाटियां, डरावनी हवाएं, प्राकृतिक पुष्पों से पूरित बुग्यालों का मैदान, पर्वत शिखरों से तीव्र गति लिए झरते झरने और पैदल दुरों मार्ग, इन सब भौगोलिक परिस्थितियों से शौकाओं को अन्य भारतीय समाज से सदियों दूर रखा। लेकिन व्यापारिक आवश्यकताओं ने सीमांतवर्ती पड़ोसी देशों के अलावा कुमाऊं और गढ़वाल के स्थानीय निवासियों से मिलना जुलना बनाए रखा। निकट दूर के संबंधों ने प्रभावित की शौका रंगपा जनजाति की सामाजिक मान्यताएं, आर्थिक आवश्यकताएं और धार्मिक आस्थाएं। सामाजिक व्यवस्थाओं की थोड़ी सी समानता और अधिक भिन्नता का कारण भी यही परिस्थितियां हैं। दोनों घाटियों में जो फर्क मैंने देखा है, जैसे खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, ये तो मैंने ज्यादातर सेम देखा है। जैसे दोनों घाटियों में जो है, मैंने ज्यादातर ये देखा कि जैसे पूजा पाठ, रहन सहन, खान पान ज्यादातर सेम हमारा मिलता जुलता है। तो जैसे गढ़वाल में ये है कि मारछा तोलछा दोनों रहते हैं ना, तो सेम उनका रहन सहन सब है, लेकिन उनमें भी थोड़ा सा भाषा में डिफरेंट है। जैसे तोलछा भाषा में थोड़ा सा गंगाड़ी लोगों का आ जाता है, लेकिन फर्क कुछ नहीं है। सेम हम लोगों के शादी ब्याह सबका एक होता है ना,
इसमें फर्क नहीं है। और जैसे दारमा में ये होता है कि शादियों में जो है पूजा पाठ जैसे होता है, इसमें पंडितों का कोई वो नहीं है, पंडित लोग नहीं आते हैं और जैसे खुद ही कर लेते हैं अपना जान वगैरह रख के, और जैसे पकोड़ा वगैरह सब बना के जो अपने जैसे धाजा वगैरह बांध के ना, ये सब अपने ढंग से जो है वहाँ पे होता है। तो जैसे ब्यास घाटी में ये है कि लमा लोग करते हैं, और हमारे दारमा में ये है कि खुद ही मतलब कोई डेट नहीं देखते हैं और कोई दिन नहीं देखते हैं, बस जब टाइम आ रहा है और अपना पूजा वगैरह करते हैं तो संपन्न कर देते हैं अपने आप। जैसे गढ़वाल में है तो गढ़वाल में जैसे पंडित से दिखवाते हैं, जन्मपत्री दिखवाते हैं और उसमें ये सब डेट निकालते हैं, तो ये वहाँ पे ये डिफरेंट मैंने पाया है। और पहनावे में जैसे ड्रेसेज में थोड़ा फर्क है, यहाँ लावा पहनते हैं गढ़वाल में, और धारचूला में जो है चुंगबाला पहनते हैं, उसमें जो है बाली हो गया और चंद्रहार हो गया, और ये बाकी तो खान पान रहन सहन सब सेम मैंने पाया है। लोक गीत लोक नृत्य में फ़र्क है, वहाँ पे जो है ज़्यादातर शगुन माना जाता है, जैसे कोई भी शुभ कार्य हो रहा है धारचूला में तो वहाँ पे गाने के साथ साथ जो है डांस जरूर करना पड़ता है, और पूजा पाठ भी अपने हिसाब से करते हैं, जैसे टाइमिंग होता है उसका आषाढ़ के महीने में होता है और फिर सावन में भी होता है। अब स्थितियां बदल रही हैं। उत्तरांचल स्थित भोटिया जनजाति की समस्त घाटियों में कुमाऊं संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित है जोहार घाटी मुनस्यारी क्षेत्र। कट कटा कटू न जल पानी घाट न्योली जुरे सलरू खो सलरू खो ली सतर तर जल पानी घाट न्योली जुरे ली सतर तर जल पानी घाट न्योली जुरे जय घड़ी समाज से घड़ी समाज चाहर कौच जल पानी घाट न्योली जुरे धर कौच जल पानी घाट न्योली जुरे कट कट कटू न जल पानी घाट न्योली जुरे। कुमाऊं वासियों से विवाह के संबंध स्थापित करने की अनुमति शौका समाज ने अपने घरों को नहीं दी। जोहार घाटी वालों का वैवाहिक संबंध जोहार से बाहर पहले केवल गढ़वाल के मारछाओं से ही होता था। दारमा व्यास घाटी से केवल विवशता या असमर्थता की स्थिति में ही विवाह संबंध संभव थे। पास की घाटियों का परस्पर वैवाहिक संबंध स्थापित न होना जोहार और दारमा व्यास घाटी के सामाजिक स्तरण में विभिन्नता के कारण लगता है। 20वीं सदी के 8वें दशक तक जोहार वालों ने इस घाटी में अपनी लड़की कभी नहीं दी। अनुलोम विवाह की अनुमति यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में नहीं है और न ही जोहार में शुद्धिकरण अर्थात चंद्रायण की प्रथा है। किसी व्यक्ति के पुत्र न होने पर अपने जीवन काल में दूसरे पुत्र को गोद लेकर संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाना जोहार में प्रचलित है। पिछली शताब्दी के 6वें दशक तक शौका महिलाओं में पर्दा प्रचलन भी रहा। संयुक्त परिवार के विघटन होने पर जोहार में पैतृक तथा स्व अर्जित संपत्ति का किसी पंचायत द्वारा बंटवारा न होकर समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में होता है जो
सर्वमान्य समझा जाता है। जोहार की शौका समाज में एक सुव्यवस्थित सामाजिक संगठन की भी व्यवस्था थी। प्रत्येक गांव में कार्य कुशलता के आधार पर बूढ़ा, फौजदार और सयाना आदि पद बनाए गए थे। पुरुष प्रधान जोहारी समाज में स्त्रियों का जीवन घर की चार दीवारी में पर्दे में बीतता था। घर से बाहर जंगल से घास लकड़ी लाने के अतिरिक्त पाबंदी थी। विधवा नारी को पुनः विवाह की अनुमति नहीं थी। जैसे आप शादी अगर आज भी है तो आपको शादियां वगैरह बहुत कम खर्चे में और बहुत आसानी से हो जाती है। तो एक गरीब से गरीब आदमी भी है तो उसको लड़की के पैदा होने में या उसमें कोई परेशानी नहीं। और बल्कि अगर आपको ये जानकारी हो जाए कि दहेज का इच्छुक है तो शायद आपको लड़की मिलना भी मुश्किल हो शायद हो जाए, ये भी स्थिति है। तो ये एक अच्छा सकारात्मक चीज़ है कि इस प्रकार की जो कुप्रथाएँ हैं और कुरीतियाँ हैं वो काफ़ी हद तक ये समाज उससे बरी। अपराध की स्थिति बहुत अच्छी है, अपराध का उसमें बहुत नियंत्रण है, अपराधों की ओर सोचते नहीं हैं। एक मैं कहूँगा कि अगर ओवरऑल करेक्टरिस्टिक जो जनजाति में होती है कि एक ऑनेस्टी और मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक कठोर परिश्रम, जब महिलाएं पुरुष इन जनजातियों में अगर आप देखें कि महिलाओं की स्थिति भी कहीं बेहतर है। दारमा व्यास चौदास घाटियों में सामाजिक प्रधानता के कारण मकान एक हारू यानी पंक्ति में होते हैं। हर गांव में व्यवहारिक, ज्ञानी, बुद्धिमान और चरित्रवान प्रधान चुना जाता था। पुरुष प्रधान रंग समाज में परिस्थिति व देश काल के अनुसार यदि सामाजिक नियम में संशोधन करना होता था तो बुजुर्ग ही निर्णय लेते थे। इन च मेरे निशा बाबनम संकू, इन च मेरे निशा बाबनम संकू, रने सुतिया हर हर ग्वाशिग, गनीग गास गनीग छास गनीग गास गनीग छास, रने सुतिया शिम शिम रंग शिग, गनीग बदले ल बाबनम नीतुल लाचल चेकुं चंपं सेठंगल माढंगल। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ के रंग समाज में प्राचीन काल से कुछ नियम हैं। संयुक्त रूप से कार्य की खेरी प्रथा, संयुक्त पूजा पाठ के अवसर पर अन्य कार्यों को निषिद्ध करने की बांधो प्रथा, सहकारिता और सहयोग हेतु लंसक प्रथा, सामूहिक धन संग्रह की व्यवस्था जिसका उपयोग सार्वजनिक कार्यों या गरीब परिवारों हेतु किया जाता है प्रचलन में है। दारमा व्यास चौदास के भोटिया परिवारों में सामूहिक देव पूजा सामाजिक संस्कारों में प्रत्येक परिवार से अनाज शराब एकत्र करना गिस्यम पक्ष्यम कहलाता है। युवक युवतियों में व्यवहार आचार विचार शिष्टाचार सीखने के उद्देश्य से घरों से भोजन सामग्री एकत्र कर एक साथ भोजन करने को खुस्यम कहते हैं। तुम पाला रो तुम लता चंदो लिंगाने कुटी तमकाने, तुम पाला रो तुम लंबाजा चंदो लिंगाने कुटी तमकाने, तुम पाला रो तुम लता चंदो लिंगा, हरे हरे कमार कन्या फगुला चतला पिराजी कटई चंदोंग लिंगानी, बाज पात पोलई खरे चंदोंग लिंगानी।
राज पाता पोल हरे चंदोलिंगाने कुटी तंकाने बाजला पोल हरे चंदोलिंगाने। यहाँ शौका समाज में गांव की पंचायत के द्वारा सामाजिक न्याय और दंड की व्यवस्था भी है, जिसके कारण लोगों को न्यायालय में जाने की नौबत नहीं आती। समाज की शौकाओं में स्त्रियों को समान अधिकार, सम्मान और संरक्षण है। हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी है। हमारे रंग समाज में स्त्रियों का बहुत ही मुख्य स्थान है। स्त्री प्रधान भले समाज न हो, पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन स्त्रियों को समाज में बराबर का अधिकार दिया गया है। परिवार को जो है मजबूत बनाने में, परिवार के जो है आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में और बच्चों के पालन पोषण और ऊनी उद्योग, पशु पालन, हर उस पर जो है, और कृषि, यहाँ तक कि कृषि के कार्यों में भी जो है स्त्रियों का विशेष योगदान होता है। वो जो है, जैसे पुरुष जो है अधिकतर साल में जो है, पुराने समय में जो है जब ट्रेड व्यापार होता था नेपाल तिब्बत, उस समय पुरुष अधिकतर जो है बाहर रहते थे, तो स्त्रियां ही जो है पूरे घर को जो है देखती थी और घर की पूरी जो है आर्थिक मजबूती में उनका योगदान रहता था। और स्त्रियों को जो है जिस तरीके के विदुर जो है दोबारा शादी कर सकता है, उसी तरीके से स्त्री अगर वो चाहती हैं तो उसको भी समाज में उसको दोबारा शादी करने की उसको पूरी मान्यता है। यदि अकालवश किसी के जो है पति जो है बहुत ही कम उम्र में अगर गुजर गए, तो यह समाज में ऐसी व्यवस्था है कि अगर वो स्त्री दोबारा शादी के बंधन में बंधना चाहें या शादी करना चाहें तो उसको जो है पूरे सामाजिक रूप से उसको अधिकार दिया गया है। और इसी तरीके से हमारे रंग समाज में कोई पर्दा सिस्टम नहीं है। पर्दा प्रथा, जैसे कि हमारे शौका भाइयों में मुंशियारी में जिस तरीके से वहाँ पर पर्दा की प्रथा पुराने जमाने से चली आ रही थी, उसमें स्त्री को उतना सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन रंग समाज में ऐसा भेदभाव जो है स्त्री के साथ नहीं है। वो किसी भी पर पुरुष से किसी भी जो है हमारे समारोह में बोल सकती है, बात कर सकती है और हर तरीके से पुरुष के साथ किसी भी क्षेत्र में जो है अपने कार्य कुशलता को दिखा सकती है। हमारे रंग समाज में अगर देखा जाए तो स्त्रियों का ही योगदान सब पुरुष की अपेक्षाकृत ज्यादा है। इसीलिए रंग समाज में आज जो परिवार जो है मजबूत स्थिति है, तो स्त्रियों के कारण है। नीतिमाणा का रंगपा समाज पितृ सत्तात्मक है। प्रेम, स्नेह, विश्वास, ईमानदारी, श्रम यहाँ के समाज की विशेषताएं हैं। हर रंगपा श्रम पर ही आश्रित है। ये लोग निर्धन होने पर भी भीख नहीं मांगते। अतिथि को घर पर प्रथम सम्मान दिया जाता है। आतिथ्य की अस्वीकृति भावी अपशकुन माना जाता है। रंगपा समाज में गुरु भय, गुरु भैणी यानी गुरु भाई और गुरु बहन, ये एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य भाई बहनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और कर्तव्य पालन का भाव है। ये प्रथा जीवन के 10-12 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती है। गुरु भाई गुरु बहन एक स्वस्थ सामाजिक संस्था है जिसका प्रचलन नीतिमाणा घाटी के ऊपरी छोर में है। रंगपा समाज में नारी का सम्माननीय स्थान है। यज्ञ आदि कर्मों में पति के साथ समान रूप से हिस्सा लेती है। बाजा नौ तना लायो
शौकाओं की सामाजिक व्यवस्थाओं में पूरी तरह अनुशासन दिखाई देता है। खानपान भी कुछ निराला है। जोहार घाटी में उत्पादित अनाज उवा तथा नप्पल से सत्तू बनाया जाता है। इसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती। पत्थी और फाफर के आटे के गाढ़े घोल से बनाई गई रोटी फुली कहलाती है। इस आटे के घोल से बनी चुनिया यानी पूड़ी और आटे को गुड़ के साथ गूंथकर बिना पकाए ही खाए जाने वाले भोजन को सिल्दू कहते हैं। दाल भात रोटी तो सभी खाते हैं। हमारे यहाँ एक विशेष प्रकार का डिश होता था। एक तो होता था जब जैसे बहुत जाड़े का मौसम है, बाहर बर्फ गिर रहा है, ठंड लग रही है, तो उस समय मडवे का हलवा बनाया जाता था। मडवे के आटे का, वो मडवे के आटे का हलवा होता था पानी में, घी में नहीं, पानी खूब पानी उबाला, एक डंडे से हिलाते रहे, दूसरे हाथ से थोड़ा 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 आटा डालते रहे, वो बिल्कुल हलवा बन जाएगा। लेकिन उसमें न घी नहीं जाएगा और न मीठा गुड़ जाएगा, वो खाली पानी में पकेगा। उसके बाद वो बड़ा टेस्टी होता है। उसके बाद उसके साथ जो है एक वहाँ एक विशेष प्रकार का मसाला होता है तिमूर करके, तिमूर एक मसाला होता है वहाँ, तो उस तिमूर का नमक बना पीस करके, नमक है, मिर्च है, तिमूर है, पीस करके उसका जैसी चटनी बना के उसको खाते हैं, तो वो ये बारी कहलाता है। और ये बारी गढ़वाल में भी खाते हैं और मैंने देखा उधर नेपाल के इंटीरियर में भी इस तरह का वो डिश बनाते हैं। और दूसरा डिश जो है ये वहाँ पर, जहाँ तक ख्याल है ये है आपके, ये है तो ये तिब्बती डिश है। और वो डिश क्या है, ये भेड़ बकरी की आंत निकाल करके, पूरा आंत का गुच्छा, बड़ी आंत और छोटी आंत का गुच्छा निकाल करके उसको बिल्कुल साफ करते हैं पानी से, एकदम साफ, तो उसके अंदर फिर मडवे के आटे का घोल डालते हैं, घोल डाल करके फिर उसे पूरे गुच्छे को पकाते हैं तो वो ठोस बन जाता है, वो कीमा कहलाता है। उसी तरह से बकरी के अंदर की जो बड़ी वाली आंत होती है उसमें मांस फेफड़ा ऐसी चीजों के टुकड़े करके उसको डालते हैं, वो अर्जी कहलाता है। ये लोग जो, ये जो बड़ा टेस्टी होता है ये डिश, केवल यहाँ वहाँ के जो ये लोग होते हैं, जैसे ये आपके दारमा ब्यास के भी, जोहार के भी और वहाँ के भी लोग ये डिश खाते हैं। नीतिमाड़ा में जौ, गेहूं, मडुआ व फाफर के आटे के मिश्रण से पकाया हुआ हलवा नुमा लेटू और कमचा यानी नमक मिर्च के साथ अमेज की शोधी हुई खटाई के साथ लेटू डुबाकर चाप से खाया जाता है। फाफर के आटे से बनाए हुए मीठे गुलगुले को लाडू कहते हैं। जोहार के शौकाहों दारमा व्यास चौदास के रंग या नीतिमाड़ा घाटियों के रंगपा आज सब कहलाते हैं भोटिया। अनेकता में एकता इसी जनजाति में है। कुछ भिन्नता कुछ समानता, किंतु मूल गुण मूल आचार व्यवहार सब एक है। एक विशेषता सभी में है। सभी घाटियों के ये लोग अपनी जनजाति पर मान करते हैं, स्वाभिमान रखते हैं, अपनी जनजाति के उत्थान और संरक्षण के प्रति समर्पित हैं। ये विशिष्टता वास्तव में प्रशंसनीय है, सराहना करने योग्य है और अनुकरणीय है।
संरक्षित हो ये शौका जनजाति, विस्तृत हो ये शौक धरा। शौक धरा